हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कल हमने अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 के फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई है जिनसे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन सेकंड है हमारा, वी प्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आपको कुछ सिचुएशंस नीचे दी हुई है, उन्हें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बदलना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ओके, रेक्टेंगुलर प्लॉट कैसा होता है आप सभी को पता है। जैसे ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस 528 मीटर स्क्वायर। क्या है इसका एरिया? तो जो इसका एरिया है, ये जो इसका एरिया है, ये क्या है, क्या कितना दिया हुआ है हमें, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो ये प्लॉट है इसकी जो लेंथ है, ये जो इसकी लेंथ है इन मीटर्स, वो मीटर में है, इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो इसकी ब्रेथ है, जो इसकी चौड़ाई है, इसके ट्वाइस से, इसके दोगुने से कितना ज़्यादा है, वन। इसकी लेंथ, जो इसकी लंबाई है, वो इसकी चौड़ाई के दुगने से एक ज़्यादा है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ फ्लोट। हमें इस प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई निकालने की आवश्यकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो देखिए, हमें ना लंबाई दी हुई है, ना ही हमें चौड़ाई दी हुई है। सबसे पहले जो भी आपको पूछा जाता है लास्ट में, हमें क्या निकालना है, लंबाई चौड़ाई, तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसको हम मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो हमें ये पता है कि जो हमारे पास लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से वन मोर है। तो अगर हमारे पास ब्रेथ आ जाए तो उससे हम उसकी लेंथ निकाल लेंगे। तो हम लेते हैं, लेट द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, कि जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है उसकी लेंथ क्या है, हमने क्या मान ली, एक्स। अब इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, देन लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट। क्या कंडीशन थी हमारे पास, इसकी ब्रेथ के ट्वाइस, तो ब्रेथ के ट्वाइस क्या हो गया, 2x। ओके, और उससे कितना ज्यादा है, 1। 1 मोर है तो हमने प्लस 1 कर दिया। अगर 1 लेस होता तो हम 1 को माइनस कर देते। तो यहां पर जितने भी आपको मोर या फिर लेस मिले, उतना ही आप मोर के लिए प्लस करेंगे और लेस के लिए माइनस कर देंगे। अब ये हमारे पास इसकी लेंथ और ब्रेथ आ गई है। हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ द प्लॉट। इस प्लॉट का जो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है हमें। ओके, अब हमें क्या करना है, इसकी लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि इसका जो एरिया है वो 528 मीटर स्क्वायर है, और जो एरिया होता है वो क्या होता है, क्या फॉर्मूला है उसका, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू क्या होता है, ये हमें दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर। ओके, अब लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है, क्या है, लेंथ है 2x प्लस 1, ब्रेथ इसकी क्या है हमारे पास, x, इनके साथ मीटर है। ओके, इनको हमने मीटर साथ लगाया नहीं है, मीटर में आएंगे जो इनके आंसर आएंगे वो 528। अगर आप यहाँ मीटर स्क्वायर लगाते हो तो आप इनके साथ भी मीटर मान सकते हो, और अगर आप यहाँ स्क्वायर नहीं लगाते तो यहाँ भी इनके साथ आप मीटर रहने दीजिए। तो यहाँ से देखिए मीटर स्क्वायर, अब आपको क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, 2x की x से करोगे तो 2x स्क्वायर प्लस x की करोगे तो 1 से x, और ये क्या हो गया आपका मीटर स्क्वायर 520। अभी आपका मीटर स्क्वायर दोनों साइड है, कैंसिल हो जाएगा, इसको आप इधर ले आओ, 2x स्क्वायर प्लस x
528 इधर प्लस है, इधर आके क्या हो गया लेफ्ट में आएगा, तो 528 माइनस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, एक्स और कॉन्स्टेंट, हमारे पास तीन टर्म आ गए हैं जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन है और वही फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आ गई है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि हमें इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो आप लिखोगे दैट इज द रिप्रेजेंटेशन विच वी रिक्वायर्ड, कि ये वो जी रिप्रेजेंटेशन है जिसकी हमें जरूरत थी, या दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, अभी देखिए इसका पार्ट सेकेंड, पार्ट टू है इसका, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, कि जो प्रोडक्ट है दो हमारे पास कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है उनकी जो प्रोडक्ट है वो 306 है। इस सिचुएशन को आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होगी, वो इंटीजर्स फाइंड आउट करने की। तो सबसे पहले हम इंटीजर्स मान लेते हैं, इंटीजर्स आप सभी को पता है वो कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, इसमें लिखा हुआ है पॉजिटिव, और कौन से होने चाहिए, कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, एक ही क्रम में आते हैं, जैसे आप काउंटिंग करते हो 1, 2, 3, 4, 5, तो इनको हम क्या कहेंगे, कंसेक्यूटिव, क्योंकि ये आपकी एक ही क्रम में चल रही हैं, बीच से कोई नंबर मिस नहीं है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारे इंटीजर्स हैं उनको सपोज कर लेंगे, अज्यूम कर लेंगे। तो इसके लिए हम मानते हैं लेट द इंटीजर मान लीजिए आपके पास पहला इंटीजर x है, तो उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x प्लस 1, दो इंटीजर्स हमें चाहिए, आपको लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू, दो ही आपको इंटीजर्स चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, माइनस आपको नेगेटिव नहीं लेना है, और दो आपके कंसेक्यूटिव है, कंसेक्यूटिव जैसे आपने 1 के बाद 2 लिखा है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1, कि जो आपका फर्स्ट है उसमें आपने 1 ऐड कर दिया। ओके, इसके बाद हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, 2 प्लस 1, 3 आ गया। तो ऐसे ही हमने फर्स्ट लिया एक्स, एक्स में हमने क्या कर दिया, सेकेंड निकालने के लिए उसमें 1 ऐड कर दिया। अब आपको दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी प्रोडक्ट, तो इसमें हम नीचे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 306। अब आपके पास इंटीजर्स ये हैं, तो इनके हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्ट क्या हो गई, x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। अब इस x से इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस x बन जा x इज इक्वल टू 306। अब आपको इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है, तो RHS से LHS में ले आइए, यहाँ पे ये प्लस है तो यहाँ के माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपकी इक्वेशन बनी है, ये कौन सी इक्वेशन बनी है, हमारी हाईएस्ट जो डिग्री है वो क्या है, डिग्री ऑफ पावर 2, और जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी वो क्या होगी, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप लिखोगे दैट इज द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन सिचुएशन। तो ये है हमारे क्वेश्चन सेकंड का, पार्ट सेकंड। तो यहाँ हम टू पार्ट्स कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसके टू पार्ट्स आपको और दिए हुए हैं, जो आप इस वीडियो की हेल्प से प्रैक्टिस कीजिए उनकी। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।